नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग यहाँ बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दो ऐसे कीवर्ड टूल्स जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे तरीके से जो है आप कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो अपने एसईओ करने के लिए, अपनी वेबसाइट के ऊपर आपकी वेबसाइट को टॉप रैंक में लाने के लिए, जो है ना गूगल में नंबर वन पे लाने के लिए, पहले पेज पे लाने के लिए अपनी वेबसाइट को आप इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये कौन से हैं ये दो टूल, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल वर्ल्ड बाय मंजीत सिंह। और हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं दो ऐसे बेस्ट टूल आपको बताने वाला जो कि फ्री हैं और आप बहुत अच्छे से जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। से यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ जैसे कि बेस्ट रेफ्रिजरेटर ले लेते हैं, बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया। तो ये हमने लिया और यहाँ पे जो सबसे पहले वाले पे जो आपका रैंक कर रहा, आपको जो सबसे पहले नंबर पे जो है यहाँ पे जो लिंक दिख रहा है, इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी लिंक कर लेते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, और दूसरा एक टैब खोलते हैं, उस पर गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे जाके हमने लिखना है नील पटेल। नील पटेल जैसे लिखेंगे तो आपको ये वाली वेबसाइट मिलेगी, इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी आपने यूआरएल लिया उसको आपको पेस्ट कर देना है और उसके बाद जो है यहाँ पे आप जिस भी कंट्री को टारगेट करके चल रहे हो वो कंट्री आपको सेलेक्ट करनी है, जैसे हमारा केस में इंडिया है। और ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो ये जो है आपका कुछ समय लेगा क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा स्लो चलती है ये वेबसाइट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रियल टाइम में जो है डेटाबेस से पूरा फैचिंग होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी इस वेबसाइट के बारे में जो हमने यूआरएल जिसका लिया था जो कि टॉप पे रैंक कर रहा है, तो यहाँ पे डोमेन का ये नाम आ गया, उसके ऊपर कितने ऑर्गेनिक कीवर्ड हैं जिसकी वजह से ये जो है इस कैटेगरी में रैंक कर रही है, और यहाँ पे ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक कितनी है, यहाँ पे जो डोमेन स्कोर कितना है, यहाँ पे बैकलिंक्स उसके कितने हैं और नो फॉलो बैकलिंक्स कितने हैं, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितना इंक्रीज़ हो रहा है डे बाई डे, ये आपको देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है कीवर्ड, यहाँ पे एसईओ कीवर्ड रैंकिंग, जो यहाँ पे कीवर्ड रैंकिंग हो रही है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी पूरी किस तरह से बढ़ रही है। अब यहाँ पे इस वेबसाइट के कुछ टॉप पेजेस आपको देखने को मिलेंगे कि किसके ऊपर कितना कितना है। आप देख सकते हो यहां पे जो है टोटल पांच ऐसे आपकी इसके ऊपर पेज हैं इस पर्टिकुलर डोमेन पे, जिसकी वजह से ये जो है नंबर वन पे यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के लिए जो है वो यहाँ पे रैंक कर रही है। तो हमारा यहाँ पे जो है जो हमने कीवर्ड सर्च करा था वो तो यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे दूसरे पेजेस हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस्ट वॉशिंग मशीन हो गया, ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी वजह से जो है ये वेबसाइट जो है टॉप पे आ रही है। और टॉप पे आने के बाद अब देखो यहाँ पे हमें जो कीवर्ड चाहिए था जिसको हमने सर्च करा वो यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पे क्या है बेस्ट सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर इन इंडिया, तो ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है 21,789 और इसी में से एक पेज आपका जो है वो ये वाला होगा, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है आपका 21,789 का आपको यहाँ पे ट्रैफिक मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर व्यू ऑल करोगे तो आपको और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। अभी और यहाँ पे जाते हो तो ये जो है आपको देखने को, अभी यहाँ पे रेफ्रिजरेटर इंडिया बेस्ट, बेस्ट रेफ्रिजरेटर, बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया, तो हमारा कीवर्ड इसी के अंदर है। आप देख सकते हो जिसको हमने सर्च करा उसके ऊपर कितना वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे 8,100 की वॉल्यूम है, ठीक है ना। यहाँ पे पोजीशन इसकी क्या है, नंबर वन पे आ रही है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड विजिटर कितने आते हैं, तो ये आपका लिखा हुआ 2,462। यहाँ पे सीपीसी उसकी क्या है, यहाँ पे जो है पेड डिफिकल्टीज कितनी है, यानी कि उसका डिफिकल्टी स्कोर क्या है, यहाँ पे आपका एसईओ डिफिकल्टी कितनी है, 37 है। तो ये जो है एक बहुत ही बेहतरीन नील पटेल द्वारा दिया गया आपका एक टूल है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी कीवर्ड को हम रैंक करें। तो वो अभी जो हमारा पर्टिकुलर कीवर्ड क्या था, बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया, अब आपको यहाँ पे कीवर्ड के अंदर और भी सजेशन मिल गए कि आप यहाँ पे क्या क्या टारगेट कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर इन रेफ्रिजरेटर इंडिया बेस्ट, ये भी आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे कीवर्ड यूज कर सकते हो, बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया, रेफ्रिजरेटर बेस्ट इन इंडिया, विच रेफ्रिजरेटर आर बेस्ट, विच इज द बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया, विच इज द बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया, राइट। तो ये सारे कुछ ऐसे बेस्ट ब्रांड इन रेफ्रिजरेटर इन इंडिया, तो ये ऐसे कीवर्ड्स हैं, आप इनके ऊपर वॉल्यूम देखो, तो इनके ऊपर जो है इस तरह से आप अपने कीवर्ड को बिल्कुल अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं और फाइंड आउट करके उसके ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से जो है आप इस चीज
चीज़ को जो है काम यूटिलाइज कर सकते हो, और यूटिलाइज करके जो है आप सारी चीज़ों को अपने वेबसाइट के पेजेस को क्या कर सकते हो, गूगल के अंदर नंबर वन पे रैंक करवा सकते हो। तो ये पहला टूल है जहाँ पे आपको कीवर्ड के बारे में चाहिए, तो आप यहाँ पे कीवर्ड भी चेक कर सकते हो, राइट। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके चेक करने के लिए, तो आप उन सब चीज़ों को भी यहाँ पे चेक कर सकते हो अपने हिसाब से जैसे आपको चाहिए है। बट यहाँ पे ओवरऑल क्या है कि जो मैंने अभी आपको दिखाया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये पहला ऐसा टूल है जो कि फ्री है, जिसका आप इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। और दूसरे टूल के लिए मुझे आपको वापस यहाँ पे हम दूसरे पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है आप कीवर्ड रिवीलर एक ऐसा पेड आपका, ये वैसे पेड भी सर्वे यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च के यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन अब आप जो है अगर फ्री के अंदर भी इसको रजिस्टर करते हो तो डेली के आपको 3 कीवर्ड रिसर्च करने की जो है परमिशन दी जाती है। तो यहाँ पे आप फ्री वाला, ये मैंने जो अकाउंट है ये मैंने फ्री वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं वही चीज़ लिखते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं बेस्ट, वही चीज़ हम लिखेंगे, वापस यहाँ पे भी देखते हैं बेस्ट रेफ्रिजरेटर इन इंडिया, राइट, या फिर DSLR जो भी। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कंट्री सर्च करना है, तो हमारी कंट्री कौन सी है, इंडिया है, तो यहाँ पे हमारी बेस्ट जो भी हमारी टारगेट कंट्री है उसको सेलेक्ट करना है हमने, ये तो ये रहा इंडिया, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल लैंग्वेज में यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे जो है हम सर्च पे क्लिक करते हैं, तो ये भी की बहुत ही बेहतरीन टूल है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब मिलती हैं, हर कीवर्ड के ऊपर कितना कितना वॉल्यूम आता है, जो आपका टारगेट कीवर्ड है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स कितने हैं, उन सब कीवर्ड के बारे में भी आपको यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से जो है रिजल्ट मिलते हैं। सो ये हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है, तो जो हमने सर्च करा था, तो आप देख सकते हो जो भी हमने वहाँ पे डाला है उससे रिलेटेड यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड हैं, किसके ऊपर कितना यहाँ पे आपका यहाँ पे ट्रैफिक मिलता है वो भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंच डोर जो है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर प्राइस लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर सेल लिखा हुआ है, यहाँ पे नील पटेल की जो वेबसाइट है उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट आपको यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिलती है और बहुत ही डिफरेंट तरीका देखने को मिलता है। तो अब हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे, रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर जो है वो उसके ऊपर वॉल्यूम कितनी है, टोटल आपका 2,01,000 जो है इसके ऊपर। अभी डिफिकल्टी की अगर बात करें, यहाँ पे इवेल्युएट करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको पूरी डिफिकल्टी कितनी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पहले रेफ्रिजरेटर का दिखाता हूँ, फिर आपको यहाँ पे बेस्ट रेफ्रिजरेटर जो है यहाँ पे जो कीवर्ड है उसके ऊपर भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसकी आपका जो पूरा डिफिकल्टी है कीवर्ड की वो आप देख सकते हो 39 है। यहाँ पे कीवर्ड जो है लास्ट 12 महीने के अंदर किस तरह से ये काम कर रहा है, किस तरह से इसके ऊपर सर्च की ट्रेंड है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है सोशल मीडिया के ऊपर कौन किस पे ज़्यादा ये चल रहा है वो देखने को मिलता है, डोमेन स्ट्रेंथ कितने कौन से पेज पे चल रही है वो देखने को मिलता है। लेकिन इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ पता क्या मिलती है, वो ये मिलती है कि यहाँ पे ये जो नीचे सेक्शन दिख रहा ना ये मिलता है, अब यहाँ पे आपको मिलती है गूगल के अंदर इस कीवर्ड को लेके टॉप 10 जो वेबसाइट जो रैंक कर रही हैं वो आपने को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे Amazon है, यहाँ पे जो है LG है, Flipkart है, रिलायंस डिजिटल है, Paytm मॉल है, यहाँ पे Grabon.in है, प्राइस बाबा, देखो यहाँ पे जो है एक प्राइस बाबा भी आपने देखा होगा, ये काफ़ी एक वेबसाइट जो है काफ़ी फेमस होती है, ये भी यहाँ पे है। अब ये क्या कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पे इन्होंने कौन कौन से किस किस वेबसाइट ने जो है उनका URL के अंदर कीवर्ड लिया है, किसने टाइटल के अंदर यूज़ किया है, किसने डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ किया है, किसने H1 के अंदर जो है H1 टैग के अंदर इस्तेमाल करके रखा है, वो सारी डिटेल देखने को मिलती है। यहाँ पे पेज की अथॉरिटी देखने को मिलती है, डोमेन अथॉरिटी मिलती है, यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक कितने आ रहे हैं, यहाँ पे मौज रैंक कितना है। तो हम जो प्राइस बाबा की बात करें, अब देखो यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक इसको कितने 42,125 आ रहे हैं। तो ये जो है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को काफ़ी अच्छे बेहतर तरीके से मिलती हैं। तो आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पे चीज़ें चेक कर सकते हो। वापस से अगर यहाँ पे सर्च रिजल्ट पे चलते हैं, हम यहाँ पे हम देखते हैं एक बेस्ट रेफ्रिजरेटर, तो ये भी हम इवेल्युएट एक बार करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका हमें जो कीवर्ड चाहिए था वो बेस्ट रेफ्रिजरेटर था। तो यहाँ पे क्या है 8,100 हमें नील पटेल के भी अंदर मिला, और यहाँ पर भी जो है हमें 8,100 जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या है, लो कंपटीशन लिख के आ रहा है, यहाँ पे कंपटीशन लिख के आ रहा है लो। तो इस कीवर्ड के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर टारगेट करके चल सकते हैं। यहाँ पे 29% हमें डिफिकल्टी मिल रही है जो कि लो कंपटीशन में आती है।
पिछले 12 महीने में ये इसका ट्रेंडिंग क्या रहा है, यहाँ पे जो है क्या सर्च वॉल्यूम रही है, यहाँ पे जो है आपका गूगल प्लस के ऊपर ये ट्रेंड कर रहा है, फेसबुक के ऊपर है, फिर बाकी सोशल मीडिया की दिख रही है, टॉप ऐसी कौन सी 10 पेजेस हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर यहाँ पे ये रैंक कर रहा है। तो आप देखते हैं यहाँ पर भी किचन, यहाँ पे किचन अरेना जो है .in जो वेबसाइट है यहाँ पर भी नंबर 1 पे आई, जो कि हमने पहले गूगल पे सर्च करा था वहाँ पे भी नंबर 1 पे आ रही थी। तो अब यहाँ पे ये नंबर 1 पे आई है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने URL के अंदर डाल के रखा है, टाइटल के अंदर डाल के रखा है, H1 के अंदर डाल के रखा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ये कीवर्ड नहीं डला हुआ, उसके बावजूद भी नंबर 1 के ऊपर ये रैंक कर रही है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो कौन सी कहाँ पे है, तो ये जो है आप बहुत ही अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ से कि आपको जो है यहाँ पे कितना अच्छे से आप रैंक करवा सकते हो, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं एवरेज कीवर्ड काउंट जो है यहाँ पे 4 आ रहा है, तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे आप भी बहुत अच्छे से इस टूल का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट के कीवर्ड्स को जो है रैंक करवा सकते हो गूगल के अंदर नंबर 1 के अंदर। सो आई एम श्योर दोस्तों, दो टूल जो मैंने आपको बताए हैं बिल्कुल फ्री हैं, तो आप डेली बेसिस पे कम से कम 3 कीवर्ड तो यहां पर भी आप कीवर्ड रिवीलर के ऊपर सर्च यूज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आई एम श्योर वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब आपको चाहिए है, तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।